Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we will study cell structure and function, cells and open system, cell size and surface area to volume ratio, and passage of molecules into and out of cells. There is a relationship between cell function and cell structure. Cells have a specific type of function, a specific type of structure based on their function. For example, blood cells have a round shape as they have to accommodate hemoglobin, and nerve cells are long as they have to transmit nerve impulse, and xylem cells are tube-like and have thick walls, which is better for the conduction of water and transport. And root hair cells have large surface area for maximum absorption of water and salts from soil. And cells involved in making secretions, they must have a more number of endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. As you already have studied that they are endoplasmic reticulum and Golgi apparatus are involved in a package of secretions and transport of these secretions from cells to other parts of body. And cells which are involved in photosynthesis, they must have more number of chloroplasts. Cells in open system. सेल एक सेल की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो वो एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है. सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस हो रही होती है, और एक सेल को दूसरे मॉलिक्यूल्स की भी नीड होती है विच दे मस्ट हैव टू ट्रांसपोर्ट दैट मटेरियल्स थ्रू देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाते हैं. और प्रोडक्ट्स जो बनते हैं दे माइट बी यूज्ड बाय दैट सेल और दे मे बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल्स. तो इसी तरह एक सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम कर रहा होता है जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली उसका एक्सचेंज उनके न्यूट्रिएंट्स सॉरी उनके मॉलिक्यूल्स या उनके प्रोडक्ट्स की कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज हो रही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, उनकी कॉन्टिन्यूस ट्रांसपोर्ट हो रही होती है. सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. Cells vary greatly in size. Some of these cells may be smallest, like bacteria called mycoplasmas, and the diameter of these cells vary between 0.1 to 1.0 micrometer. And some of the cells are bulkiest, like bird egg cells, and some of the cells may be long, like muscle cells, nerve cells. Cell size and surface area to volume ratio. यहाँ पे हम एक example ले लेते हैं कि अगर वैसे तो हम यही कहते हैं कि जो large cells होती है उनका जो है वो surface area ज़्यादा होता है as compared to small cells, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि large cells के का जो surface area होता है that is less as compared to the small cells. यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक लार्ज क्यूब है और जिसकी जो लेंथ है दैट इज़ 30 माइक्रोमीटर, एंड उसी वॉल्यूम के अंदर छोटे छोटे क्यूब्स अरेंज हुए हुए हैं. 26 स्मॉल क्यूब्स आर अरेंज इन दैट सेम वॉल्यूम. इनको अगर आप एक सेल्स ये एक्चुअली हम क्यूब से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम अगर सेल्स की हम बात करते हैं तो एक लार्ज सेल और दूसरा उसी वॉल्यूम के अंदर छोटे छोटे अगर सेल्स मौजूद हैं तो आल दो दोनों का वॉल्यूम सेम ही होगा. वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला है ए क्यूब. तो ए क्यूब में जितने भी साइड्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा लार्ज जो क्यूब है उसके केस में. सिमिलरली स्मॉल जो क्यूब्स अरेंज हैं जो सेकंड डायग्राम है उस
उसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ अगेन 27,000 माइक्रोमीटर, क्योंकि छोटा जो क्यूब है उस एक छोटा क्यूब जो है उसका जो लेंथ है दैट इज़ 10 10 10 10 3 क्यूब्स आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं, तो मिला के 30 माइक्रोमीटर। अगेन 30 × 30 × 30 आप करेंगे अगेन 27 माइक्रोमीटर क्यूब। वॉल्यूम दोनों का सेम है, दोनों सेम स्पेस घेर रहे हैं, लेकिन इनका अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले हम लार्ज क्यूब का एरिया कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि एरिया का जो फॉर्मूला है वो ए स्क्वायर है, तो एक साइड का जो लेंथ है उसका दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 30 × 30 करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। अब इस केस में आप देख रहे हैं कि क्यूब क्यूबिक शेप हमने कंसीडर किया है, तो क्यूब एक क्यूब के अंदर 6 फेजेस होते हैं, तो आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 5,400 माइक्रोमीटर क्यूब। अब हम स्मॉल क्यूब की क्यूब का जो एरिया है वो कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे 10 × 10 करेंगे, अगेन 6 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 माइक्रो क्यूब माइक्रो स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसी सेम वॉल्यूम के अंदर 27 क्यूब्स अरेंज हुए हुए हैं, तो 27 के साथ मल्टीप्लाई करने से 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब जो लार्ज जो क्यूब था उसका 5,400, और जबकि उसी वॉल्यूम के अंदर आप देख रहे हैं इसकी जो सरफेस एरिया है वो 16,200। दैट मींस के जो सेकंड केस है जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे क्यूब्स अरेंज हैं उसका सरफेस एरिया ग्रेटर है एज कम्पेयर टू के सिंगल जो एक क्यूब है। तो अगर हम एक लार्ज सेल की बात करते हैं और उसी सेम वॉल्यूम के अंदर हम छोटे छोटे सेल्स, अगर हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं तो उनकी बात करते हैं, तो जो छोटे छोटे सेल्स हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो दे विल इन्वॉल्व इन मोर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू सेल मेम्ब्रेन और आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन। तो छोटे छोटे सेल्स जहाँ पे होंगे वो मैक्सिमम उनका सरफेस एरिया होगा और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका उनका ट्रांसपोर्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जबकि उसी वॉल्यूम को लेके एक लार्ज सेल है जिसका सरफेस एरिया उन छोटे छोटे सेल्स के कंपैरेटिवली कम है, तो वो क्या करेगा, वो बिल्कुल कम अमाउंट में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट करेगा। What is diffusion? Diffusion is the movement of molecules from higher concentration to lower concentration, and the cells does not expend energy during this process, so they are known as passive transport. जिसमें energy की ज़रूरत नहीं होती है उसको हम passive transport कहते हैं। Here the best examples are movement of carbon dioxide, oxygen, glucose through a plasma membrane. जो हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस CO2 ऑक्सीजन और ग्लूकोज मूव करते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर रहे होते हैं। गैसेस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स, मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन लूमन इनटू ब्लड, कैपिलरीज ऑफ विलाई जो डाइजेस्टेड जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, दैट इज अगेन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? In case of some large molecules or due to charge difference, they cannot move across plasma membrane. So a transport proteins can help during the movement of these specific type of molecules, and this known as facilitated diffusion. डिफ्यूजन ही होती है हायर से लो की तरफ बट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिस तरह आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है यहाँ पे येलो कलर का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बैठा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कि हेल्प कर रहा है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के दौरान, एंड द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज हायर देन दैट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम dilute solution to concentrated solution is known as osmosis. Just to understand osmosis, we should know about hypertonic solution, hypotonic and isotonic solutions. Hypertonic solution, hum us solution ko kehte hain
एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो उसको हम कहते हैं हाइपरटॉनिक या कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले में। अब दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम है जो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। आइसोटोनिक दो ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, दैट इज नोन एज आइसो। आइसो मीन्स सेम सेम कंसेंट्रेशन है दोनों सॉल्यूशंस में। हियर यू कैन सी इन डायग्राम दैट द फर्स्ट पार्ट इज ऑफ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन व्हिच इज अ हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन इन विच शुगर मॉलिक्यूल कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर, जो कि सॉल्यूट है जो पिंक कलर में आपको नजर आ रहे हैं, और ब्लू कलर में आपको सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं जो कि वाटर के हैं। दैट इज सेपरेटेड बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हैं दैट इज डाइल्यूट सोल्यूशन विच इज हाइपोटॉनिक। अब हाइपोटॉनिक सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कम है और वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा आपको नजर आ रहे हैं ब्लू कलर में, तो वो मूव करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन, दैट इज फ्रॉम हाइपोटॉनिक टू हाइपोटॉनिक सोल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। हाई जहाँ पे वाटर की ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ ये मूव करना शुरू कर देंगे अक्रॉस बाय क्रॉसिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज वाटर बैलेंस प्रॉब्लम? इफ वी प्लेस एनिमल सेल इन आइसोटॉनिक सॉल्यूशन तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर सेल के अंदर जाएगा, सेल से बाहर निकलेगा, सेल की शेप मेंटेन रहेगी। इफ वी प्लेस एनिमल सेल इन हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दिस सेल विल मूव आउटसाइड द सेल, और उसके बाद फिर सेल्स श्रिंक होने शुरू हो जाएंगे। एंड इफ वी प्लेस द एनिमल सेल इन हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड में इंटर इनटू द सेल, और सेल एक स्टेज तक आके सेल की स्वेलिंग हो जाएगी, सेल फूलता जाएगा और सेल रैप्चर हो जाता है। इन केस ऑफ प्लांट सेल्स ऑल्दो प्लांट सेल्स रैप्चर नहीं होंगे लेकिन उनकी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। बाहर से अगर वाटर प्लांट सेल के अंदर इंटर होना शुरू हो जाता है तो वो टर्जिड होते हैं। फेनोमेना इज नोन एज टर्गर एंड द फोर्स एग्जर्टेड बाई वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन सेल वॉल ऑफ प्लांट इज नोन एज टर्गर प्रेशर। इफ वी प्लेस प्लांट सेल इन हाइपरटॉनिक सोल्यूशन तो सेल के अंदर से वाटर निकलना शुरू हो जाएगा, एज रिजल्ट सेल श्रिंक हो जाता है एंड दैट इज नोन एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल और श्रिंक्ड सेल कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।